हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, इसको जानने से पहले हम प्रोनाउन क्या है इसको जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो प्रोनाउन पहले जानेंगे, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन क्या है और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बातें करेंगे जिससे आपका इससे रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मींस क्या होता है, फॉर। नाउन मींस क्या होता है, नेम। सो प्रो नाउन टुगेदर मींस, प्रो मींस फॉर, नाउन मींस नेम, प्रो नाउन मींस फॉर नेम। यानी इट इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ये वो शब्द है जो किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में है, इट ऑलवेज सेव्स द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन। ये नाउन की रेपिटेशन को बचाता है। ये दो बातें हमें तभी समझ में आएंगी जब हम एग्जाम्पल में इसको देख लेंगे, जो बात मैं कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज माई फ्रेंड, हरी लिव्स इन दिल्ली। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हरी नाउन है, डेली नाउन है, क्योंकि नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ एनीथिंग। तो जब नाउन का मतलब नेम ऑफ एनीथिंग होता है तो फ्रेंड भी नाउन है, क्योंकि फ्रेंड किसका नाम है, नेम ऑफ रिलेशन। ओके, आपको यहां पे दिख रहे हैं एक दो तीन चार नाउन दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो नाउन चार नहीं है, तीन है, क्योंकि एक नाउन रिपीट हो रहा है। और जो नाउन रिपीट हो रहा है इसकी रेपिटेशन को हम बचा सकते हैं। कैसे, उसकी जगह में कोई एक शब्द लिख करके। जो भी हम शब्द लिखेंगे वो नाउन के लिए होगा और इसीलिए उसी को ही हम प्रोनाउन कहेंगे। तो वो शब्द क्या है ना, ये देखिए, हरी इज माय फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। तो ही जो शब्द है वो नाउन की जगह में आ गया इसीलिए, और इस प्रकार से उसने नाउन की रेपिटेशन को सेव करके नाउन की बारंबारता को बचा दिया, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सर्वनाश नहीं, सर्वनाम। ओके, अब हम प्रोनाउन समझ गए, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी हमारा टॉपिक था पजेसिव केस, प्रोनाउन का जो पजेसिव केस पढ़ेंगे। मैंने शुरू में पजेसिव प्रोनाउन बोला, अभी वो आज टॉपिक नहीं, पजेसिव प्रोनाउन हम बाद में करेंगे, प्रोनाउन का पजेसिव केस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वाला कोई टॉपिक जब मैं आपको बोलूंगा पजेसिव प्रोनाउन, वो दूसरे दिन पढ़ाऊंगा मैं आपको। पजेसिव केस को पहले समझते हैं कि पजेसिव केस का मतलब क्या है। ये पजेसिव एक शब्द है, पजेशन, पजेशन से डिराइव हुआ है। डिराइव, डिराइव का मतलब क्या होता है, derive, derive माने होता है व्युत्पन्न होना, व्युत्पन्न होना, मतलब टू ओरिजिनेट। एक होता है ड्राइव, ये होता है डेराइव, डेराइव, और ये होता है ड्राइव। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ड्राइव माने तो चलाना होता है, ड्राइव कार, ड्राइव मोटरसाइकिल, लेकिन हम बोले डेराइव माने व्युत्पन्न होना, उसे उत्पन्न होना, उसे ओरिजिनेट होना। तो ये जो पजेसिव केस है ये किससे उत्पन्न हुआ है, पजेशन से। और पजेशन का मतलब क्या होता है, पजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्वामित्व या फिर अधिकार। तो ये जो पजेशन है, ओनरशिप, स्वामित्व, अधिकार, ये पजेसिव उसी से ही आया है, पजेशन से। और केस के तीन मतलब होते हैं, एक मतलब केस का होता है बॉक्स, जैसे हम बोलेंगे ब्रीफ केस, शो केस, तो वहां पे केस का माने बॉक्स हो जाएगा। केस का एक मतलब आपको मालूम है, इशू, हम बोलते हैं ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, उस केस के बारे में हम जानते नहीं है, इशू, मामला। लेकिन केस का एक मतलब और भी हो गया, फॉर्म और पोजिशन, रूप स्वरूप या स्थान। तो यहां पे हम इसका ये वाला मीनिंग ले रहे हैं, रूप स्वरूप। यानी पजेसिव केस पूरे का मतलब क्या हो गया, ऐसा
रूप या ऐसा स्वरूप जो पजेशन का सेंस दे, पजेशन माने स्वामित्व या अधिकार का भाव प्रकट करे। टुगेदर पजेसिव केस इज अ फॉर्म ऑफ इज अ फॉर्म व्हिच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ पजेशन। और किसका पजेसिव केस कर रहे हैं हम? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हम पहले जान चुके हैं, जैसे ही ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और कौन कौन से, आई यू ही शी इट वी दे, ये प्रोनाउन है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल पी आर एस ओ एन डी, पर्सनल प्रोनाउन कहने के दो कारण हैं। पहला, क्योंकि ये पर्सन के लिए बेसिकली स्टैंड करते हैं, और दूसरा दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पर्संस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। तो आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है क्योंकि आई बात करता है, यू से बात करता है, यू सेकंड पर्सन हो जाएगा। आई यू से बात करता है, किसके बारे में बात करता है, ही शी इट या दे के बारे में बात करता है, थर्ड पर्सन हो गए। आई के साथ एक दो और मेरे दोस्त आ गए, कोई और आ गया, तो आई क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो वी भी हमेशा बात करते हैं यू से, ही शी इट या दे के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन होंगे, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन। तो इसीलिए इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, बिकॉज दे आर क्लासिफाइड इन थ्री पर्संस आल्सो, और ये पर्संस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पजेसिव केस के बारे में बताया कि ऐसा रूप जो पजेशन यानी अधिकार का भाव प्रकट करता है, एक बात। दूसरी इसकी पहचान है, ये पजेसिव केस जब भी आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप देखोगे इसके अंत में ना, ने, नी या का, के, की आएगा। ये लिख दिया मैंने ना, ने, नी या का, के, की। अभी आप सोच रहे होंगे ना, ने, नी, का, के, की, इसका क्या मतलब है, होल्ड ऑन, अभी हम उसको एग्जांपल से बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं पजेसिव केस की एक और खासियत है, इसके बाद हमेशा 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 नाउन आएगा, और अगर आप नाउन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन पैदा हो जाएगा आपके दिमाग में, ये सब कैसे होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये प्रोनाउन का पजेसिव केस। आई का पजेसिव केस है माय, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आवर, दे का देयर। तो आई, वी, यू, ही, शी, ये जो भी हैं ये प्रोनाउन है, और माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर, ये क्या है, पजेसिव केसेस हैं इनकी, प्रोनाउन की। और पजेसिव केस का मतलब क्या है ये मैंने बता दी, माय का अर्थ क्या हुआ, अपना, अपनी, अपनी, उसका, उसकी, उसकी, या उनका, उनके, उनकी, योर, हिज, हर, इन सब का यही मतलब हुआ। इन सब का एक ही मतलब हुआ, अपना, अपने, अपनी, या उसका, उसकी, उसकी, या उनका, उनकी, उनकी। अभी कैसे है? मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं ना, नी, नी अंत में आ रहा है, का, की, का, की, इसके अंत में आ रहा है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे एग्जांपल है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करें तो दो बातें जाननी जरूरी है। पहली बात कि आप उसका क्या जानेंगे, टेंस, और दूसरी बात, टेंस जानने के बाद टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कौन सा है। तो पहले टेंस जानते हैं। टेंस जानने के लिए आप अंत में जाएंगे, है, आया, है, हैं, हूं, वो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है, अच्छा, सॉरी, प्रेजेंट टेंस को बताता है, और ता है, प्रेजेंट में भी कौन सा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। चलिए, पहला काम हमने कर लिया, टेंस पहचान लिया। इसके फायदा क्या हुआ, इसके रूल्स हम प्रयोग में लाएंगे। इसके रूल्स क्या है, पीछे पढ़ लिया हमने, आप रिवाइज कर लेना। दूसरा काम, टाइप ऑफ सेंटेंस, छह तरह के सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। उनमें से कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, वह के अंग्रेज लिखेंगे ही। फिर क्या करेंगे आप, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, पढ़ाया मैंने आप पिछले वीडियो में, तो सीधे मेन वर्ब कर लेंगे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता, पढ़ने के अंग्रेजी रीड, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसके अंत में एस या एस आएगा, इसके अंत में एस आता है, तो हरी रीड्स। अब आ गया अपनी, अब अपनी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, अपनी की अंग्रेजी
माई भी लिख सकते हो, योर भी, हिज भी, ये कुछ भी लगा सकते हो। तो कैसे पता लगेगा कि आप क्या लगाएंगे? इट विल बी डिसाइडेड बाय सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपनी कैटेगरी माई हो जाएगी, और अगर यू है तो योर हो जाएगी, ही है तो हिज, शी है तो हर, वी है तो और, दे है तो डियर। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। चलिए यहां एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे ही है तो फिर सब्जेक्ट ही है तो फिर अपनी कैटेगरी क्या होगी? हिज। अच्छा, इसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा दूं और फुल स्टॉप लगा के मैं घर चला गया, क्या होगा? आप मेरे को फोन करके बुलाएंगे, सर इसको आप जो है आपने पूरी बात तो बताई नहीं। मैंने कहा क्यों, पूरी बात तो हो गई। आपने कहा हिज, हिज के बाद क्या? यानी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है, और ये क्वेश्चन तभी जाएगा जबकि मैं इसके बाद नाउन लिखूंगा। तो ही रीड्स हिज बुक, ये बुक नाउन है और ये हिज पजेसिव केस है। और मैंने आपको अभी भी बताया यहाँ पे कि पजेसिव केस के बाद नाउन का आना जरूरी है। अगर आप नाउन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन उठ जाएगा आपके दिमाग में, और ये बात यहाँ पे मैंने साबित कर दी। जब तक आपने नाउन नहीं लिखा था क्वेश्चन उठ रहा था, नाउन लिखने के बाद क्वेश्चन हट गया। ही रीड्स हिज बुक। अगर मान के चलिएगा ही की जगह शी होता तो फिर शी रीड्स, ये तो ऐसे ही होता, बुक की जगह बुक होता, लेकिन उसी अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाती? हर। तो बताया ना मैंने, अपनी की अंग्रेजी हर भी हो सकती है क्योंकि इस वक्त सब्जेक्ट शी हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगर इसी यहां पे आई होता, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, तो आई रीड्स एस ना आता, क्योंकि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, एक एक्सेप्शन है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और एस लगेगा, बुक की जगह बुक, लेकिन अभी उसी अपनी की अंग्रेजी क्या हो गई? माई हो गई। अच्छा, अगर बोलते तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो तो क्या होगा? यू रीड, और ये बुक की जगह, लेकिन उसी अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर हो जाएगी। अगर वे अपनी, हम अपनी पुस्तक पढ़ते, अगर होता है वी रीड, उसी अपनी की अंग्रेजी और हो गया। अगर वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो दे रीड देयर बुक। तो आपको जो मैंने यहां बताया था कि जो ये शब्द है इनमें से किसी भी शब्द की अंग्रेजी ये कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको, और ये बात कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। तो ये बात वहां पे समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई कि इसी अपनी की अंग्रेजी क्या हो रही है? हिज भी हो रही है, हर भी हो रही है, माई भी, और योर भी, अवर भी, देयर भी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड तो यू कैन जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।